सी लालू यादव पर जब चारा घोटाला केस में कार्रवाई हुई थी तो उस समय सरकार किसकी थी? आपने अगर कोई दोष नहीं किया है तो आप साफ पाक साफ निकल जाइएगा, आप जेल जाइएगा, तो आप कहिएगा किसी को रहने नहीं देंगे। हमें लगता है तो राजतंत्र के जैसा ही अपाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ। एवं बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आज अचानक बिहार विधानसभा पहुंचे और उन्होंने ईडी सीबीआई की कार्रवाई और लालू परिवार पर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। अभी सीबीआई या ईडी या दोनों जो कार्रवाई कर रही है वह नियमानुकूल कार्रवाई कर रही है, यह दोनों स्वतंत्र संस्था है और नियमानुकूल कार्रवाई करने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इसलिए कार्रवाई कर रही है। और जो लोग उससे बचना चाहते हैं, किसी न किसी तरीका से कार्रवाई को गुमराह और डाइवर्ट करना चाहते हैं, वैसे लोग यह नारा लगाने का काम, वैसे लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वैसे लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इसी लालू यादव पर जब चारा घोटाला केस में कार्रवाई हुई थी तो उस समय सरकार किसकी थी? उस समय तो सरकार महागठबंधन की थी, सपरंग की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे नहीं और उस समय कार्रवाई हुई और आज कार्रवाई हो रही है तो आपको चिर पड़ रहा है। हमें लगता है कि यह गलत सोच है, यह गलत मानसिकता है, यह गलत सोच और गलत मानसिकता को त्यागना होगा और राष्ट्रहित में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करना होगा और राष्ट्रहित में जो कार्रवाई हो रही है उसे कबूल करना पड़ेगा। आप अगर निष्पक्ष हैं, आपने अगर कोई दोष नहीं किया है तो आप साफ पाक साफ निकल जाइएगा। अरे यह बात तो हमें लगता है कि बरबोलप्पन है। नरेंद्र मोदी जी को लोग तो आने नहीं देता था, बरबोलप्पन करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है कि हम रहने नहीं देंगे। जब ये स्वतंत्र संस्था ईडी और सीबीआई कार्रवाई करेगी किसी के ऊपर और कार्रवाई में आप सिद्ध होइएगा, आप पकड़े जाइएगा, आप जेल जाइएगा, तो आप कहिएगा किसी को रहने नहीं देंगे। हमें लगता है तो राजतंत्र के जैसा यह बात है, यह प्रजातंत्र है। बिहार सरकार की इजाजत के आईडी और सीबीआई को बिहार में प्रवेश न करने दिया जाए, पत्र मुख्यमंत्री को राजद के विधायक ने लिखा। आप अगर ऐसा, तो हमें लगता है कि यह तो संविधान के प्रति ठहरा घात है, पत्र लिखना भी संविधान के प्रति घात है। आप सीबीआई और ईडी को आप प्रवेश नहीं करने देंगे तो आपका, अगर हो सकता है कि आपका निजी राज हो, या बिहार प्रजातंत्र न हो करके, लोकतंत्र न हो करके, या अगर राजतंत्र हो आपका तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि नहीं है। न किसी करने की ताकत है, न कोई कर सकता है। यह तो भारतीय संविधान है और संविधान का जो अधिकार है वो सबके लिए है और सबको सब जगह जाने का, कार्रवाई करने के लिए जो एजेंसियां हैं सब जगह उसको कार्रवाई करने की ताकत और उसको संविधानिक के अधिकार प्राप्त है, इसलिए करेगी। विपक्ष, हमने कहा कि भाई जब विपक्ष, जब जो सत्ता पक्ष में माने केंद्र में सत्ता में है और वह किसी ने जब कोई गलत नहीं किया तो क्या कार्रवाई करिएगा? आप सत्ता में स्वयं थे तो आप क्यों नहीं कार्रवाई किए? आप वहाँ सारे लोगों को राष्ट्रभाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करते हैं, कोई गलत नहीं किया है तो आप क्या कार्रवाई करिएगा? आप तो कार्रवाई करने के लिए आप तो सत्ता में थे, आज से 9 साल पहले तो आप ही सत्ता में थे, तो क्यों नहीं कार्रवाई की किसी पर? आप बीजेपी विधायक पर कार्रवाई हुई है, उसको केंद्रीय एजेंसी अपने नेताओं पर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अपने नेताओं पर, जो हमारे नेता जब उसके मैंने दायरे में नहीं है तो हम क्यों कार्रवाई करेंगे? और आप जब दायरे में हैं तो आप कार्रवाई से क्यों भाग रहे हैं? आप अगर निष्पक्ष हैं तो कार्रवाई होने दीजिए। सेहत का हवाला, अगर ऐसा कोई हो कि कोई हत्या किया हो, कोई देश को लूट लिया हो और लूटने के बाद उनको सेहत के अनुसार उनको सजा और दंड हो, तो यह तो मैंने, हमें लगता है कि यह तो कानून और संविधान ही बताएगा। इसके लिए किसी को छूट नहीं है, जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपना बयान दिया है, साथ ही साथ उन्होंने लालू परिवार पर भी जोरदार हमला बोला है और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा ऐसा उस लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।